दोस्तों, ये एक सीसीटीवी कैमरा है जिसको हम आज सर्विस करना और ठीक करना सीखेंगे। कैसे इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, इस कैमरे के अंदर क्या है कि लाइट जच रही है लेकिन कैमरा जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम एक कैमरे को ठीक कर सकते हैं। आइए हम इसको खोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे ऐसे राइट में, इसे खोल लेंगे। ये इसका सेंसर होता है जो कि नाइट में ये इंडिकेटर जो लाइटें लगी हुई हैं उनको जलाने के लिए, तो रात में जब भी अंधेरा होता है तो ये काम करता है, तो ये लाइटें ऑन होती हैं। तो सबसे पहले हम इनको सर्विस करेंगे इसकी। जैसे ये लेंस जो हमारा काफ़ी ज़्यादा बद्दा हो चुका है, अब ये इसको हम साफ करते हैं। इसको हम कॉटन की या कपड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से साफ हो गया ये। इसको हम लाइटों को भी थोड़ा सा इनको साफ कर लेते हैं, बल्बों को। और इस लेंस को भी साफ कर लेते हैं। ये हमारा लेंस है। इसको साफ करने के बाद हम इसको हम खोलेंगे। पेंच लगे हुए यहाँ पर, स्क्रू ऑन कर देंगे। ये हमारा लाइट के लिए कनेक्टर हो गया इसका। इसकी हम साफ करेंगे अच्छी तरह। इनको हम नोज प्लायर की मदद से थोड़ा लूज करेंगे, इनको खोल लेंगे। फिर खोल लेंगे। दोस्तों, ये कैमरा है, इसको भी हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये इसका सेट करने के लिए, फोकस सेट करने के लिए होता है। आप इसको रोटेट करके फोकस सेट कर सकते हैं इसका। अगर आपको ज़्यादा टाइट लग रहा है तो यहाँ पर एक पेंच है दिया हुआ, ये इसको हम थोड़ा लूज करेंगे तो फिर हम आसानी से फोकस सेट कर सकते हैं इसका। अपने हिसाब से आप देख करके फोकस सेट कर सकते हो। कोई शॉर्ट वगैरह चेक करेंगे इसमें, कुछ है तो नहीं कोई पे, बाकी ठीक है कैमरा। इसको हम
ऐसे कैसे एज इट इज, ये हमारी पावर कनेक्टर, ये हमारा बीएमसी कनेक्टर जो डीवीआर के अंदर रहता है, ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई लगती है इसमें। तो इनको हम चेक करेंगे प्रॉपर वे में। मल्टीमीटर को हम बर्चर पे करेंगे। अभी हम पावर को चेक करेंगे। ये बाहर वाला पोर्शन जो होता है ये अर्थिंग होता है ग्राउंड, जिसे हम नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं। तो नेगेटिव को यहाँ पर चेक करेंगे। ये बीप नहीं दे रहा है। अभी हम फेस अंदर पॉजिटिव पॉइंट को चेक करेंगे। यहाँ पर बीप आ रही है, इसका मतलब हमारा ये नेगेटिव पॉइंट जो है वो ख़राब हो चुका है, प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है केबल में। अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर फिर हम नेगेटिव पॉइंट को चेक करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट, ये तीन वायर आई हुई है हमारी इसके अंदर से, इन तीनों को हम चेक करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव आया हुआ है तो हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। एक नेगेटिव से हम काम करके यहाँ से वायर लेके यहाँ पर दे देंगे, इसको कट के यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे, हमारा काम यहाँ से चल जाएगा। इस वायर को यहाँ पे कट करके जोड़ देंगे आपस में। उसके बाद में हमारा रहता है पावर सेक्शन। तो अभी हम पावर में दोबारा से चेक करेंगे। अंदर इस पॉइंट में लगाएंगे वायर को अंदर वाले में, और हम यहाँ पर चेक करेंगे कहाँ पर ही पॉइंट हमारा। येलो वायर हमारी, ये कनेक्ट वायर भी ठीक है। तो हमारा जिसमें अंदर टोटली क्या है कि ये वाला पॉइंट हमारा इसके अंदर ख़राब है, जो कि इसको एक पावर नहीं दे रहा है। तो भी हम इस पॉइंट को चेंज करेंगे फिटिंग करके। देखिए इसके अंदर हमारे सभी वायर ओके हैं। तो हम इसको दोबारा से पैक करेंगे, साफ कर दिया है हमने अच्छी तरह से। फिर इसको हम चेक करेंगे साइड लगा करके साइड पे। यहाँ पर चारों बेस हमने लगा दिए हैं। अभी हम लाइटिंग को दोबारा से इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। और पेंच को भी हम वापसी लगा देंगे इसके अंदर।
इसी को हम एपॉक्सी लगा देंगे यहाँ पर, और अब हम इसको दोबारा से यहाँ पर देखिए लोग बने हुए हैं, इन लोग की सीध में बिल्कुल रख के हम इसको दोबारा से पैक करेंगे। दबा करके इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ये सेट हो गया। ओके, अभी आपका कैमरा जो है वर्क करने के लिए रेडी है। हम इसको अब साइट पर चेक करके आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं, दिखाएंगे।